Now next example of based on number patterns. Again previous case में discuss किया था number patterns के case में सबसे पहले directly numbers को concentrate ना करके concentrate किसको करेंगे numbers means किस side में या किस case में आपको number display कराना किस case में space display कराना तो number और spaces के according ये particular case shape two parts में divided है. आज हम इसे printing के case में या तो आपको space print कराने नीड है या फिर numbers. दूसरा case ये लूप एग्जीक्यूट कितनी बार होगा एवरी टाइम मैट्रिक्स मैनेज करें इन द फॉर्म ऑफ एन और एन क्रॉस एन. करंट केस में एन का गिवन वैल्यू क्या है इफ एन इज इक्वल्स टू 4. एन वैल्यू क्या गिवन है इस केस में 4. अगर एन का वैल्यू 4 है इस केस में आउटर लूप कितनी बार चलाओ 4 टाइम्स इनर लूप भी कितनी बार चलेगा 4 टाइम्स. स्पेस किस केस में स्पेस रिक्वायर्ड इन दैट वन इस पर्टिकुलर रिलेशन के केस में रिक्वायर्ड क्या है स्पेस इन अपर केसेस और सॉरी राइट एंड अपर केस इन दैट केस सभी केस में रिलेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है एग्जैक्टली आई लेस देन जे इसे एवरी वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन जे 1 लेस देन 2 कंडीशन 2 1 लेस देन 3 2 इस कंडीशन के अप्लाई करना इसके लिए आई लेस देन जे दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग स्पेस. स्पेस को प्रिंट कराने के लिए कंडीशन क्या है आई लेस देन जे. रिमेनिंग सभी केसेस में या तो आई का वैल्यू जे के इक्वल है या फिर जे से बड़ा है इसलिए इफ कंडीशन क्या है सेम नो चेंज ओनली मॉडिफाई क्या करना है एल्स पार्ट चेक आउट. एल्स पार्ट के अकॉर्डिंग इस फाइनली इस केस में डिस्कस क्या करना है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस किस टाइप से एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करें जिससे रिक्वायर्ड वैल्यू डिस्प्ले कराना पॉसिबल. करंटली एन का वैल्यू क्या है इस केस में 4. फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू कितना गिवन है इन दैट केस आई और जे आई के केस में गिवन वैल्यू क्या है 1 एंड जे के केस में भी गिवन वैल्यू क्या है 1. इन फर्स्ट केस आई का वैल्यू 1 है जे का वैल्यू 1 है देन रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 4. दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू 4. अगेन सेकेंड केस आई का वैल्यू गिवन है 2 एंड जे वैल्यू गिवन है 1 आई एंड जे देन इस केस में 2 और 1 के केस में रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है अगेन 4. नेक्स्ट वन 2 2 आई वैल्यू इज 2 जे वैल्यू इज ऑल्सो 2 रिक्वायर्ड वैल्यू इज 3 इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू. नेक्स्ट वन आई वैल्यू इज 3 एंड जे वैल्यू इज 1 3 1 3 1 के केस में रिक्वायर्ड क्या है 4 इसलिए सारे केस मेंशन करो मैं इस केस में. नेक्स्ट वन 3 2 3 2 के केस में रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 3 3 एंड 2 रिक्वायर्ड वैल्यू इज 3. नेक्स्ट वन 2 2 के केस में इंडेक्स्ड आई वैल्यू क्या है 3 3 रिक्वायर्ड वैल्यू इज 2. इस केस में चेक करना व्हाट इज द रिलेशन सेटिस्फाइंग फॉर गिवन नंबर्स और डिजिट्स. इस केस में प्रॉपर रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है अगर आई के रिस्पेक्ट में बात करें एवरी टाइम जब आई का वैल्यू 1 है जे का वैल्यू 1 है इस केस में कोई प्रॉपर रिलेशन क्रिएट करना पॉसिबल लेकिन एन वैल्यू क्या एवरी टाइम एन वैल्यू इज 4 ऑल केस इन गिवन केस सभी केसेस में एन का वैल्यू क्या रहेगा एवरी टाइम 4. फर्स्ट वन अगर इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाए इस केस में क्या आएगा 4. नेक्स्ट टाइम 4 रिक्वायर्ड वैल्यू क्या ऑल्सो 4 इन दैट केस इस केस में रिक्वायर्ड क्या होगा 4 व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. इस केस में देखें तो आई में सॉरी डिस्प्लेड वैल्यू में एवरी टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में और गिवन पैटर्न ग्रो कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीज किससे कराए बेस्ड ऑन जे वैल्यू मीन्स इन दैट केस एन प्लस 4 प्लस देखा जाए तो आई का इस केस में कोई रिलेशन नहीं मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ स्पेसिफाइंग आई मीन्स केवल एन और जे के बेसिस पर एक्सप्रेशन डिस्प्ले कराना पॉसिबल है एन प्लस जे और एन प्लस 1 माइनस जे. फर्स्ट वन एन वैल्यू इज 4 प्लस 1 माइनस जे जे का वैल्यू क्या है 1 1 से 1 क्रॉस हो जाए क्या आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 4. नेक्स्ट टाइम 4 प्लस 1 मीन्स एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या पुट करा मैं इस केस में एन प्लस 1. नेक्स्ट टाइम अगेन एन का वैल्यू एवरी टाइम 4 है 4 प्लस 1 माइनस 1 अगेन क्या आएगा इस केस में अगेन 4 प्लस 1 माइनस 1 अगेन 4. नेक्स्ट टाइम 4 प्लस 1 माइनस 2 4 प्लस 1 इज 5 5 माइनस 2 इज 3 रिक्वायर्ड वैल्यू भी क्या था 3. नेक्स्ट वन 4 प्लस 1 माइनस 1 अगेन 5 माइनस 1 इज 4. नेक्स्ट वन 4 प्लस 1 माइनस 2 ऑल्सो 3 4 प्लस 1 माइनस 3
डिफरेंस इज टू. इस केस में कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है, इज दैट वन. इसे सिंपली डिस्प्ले कराएंगे एन प्लस वन माइनस जे. इससे गिवन एक्सप्रेशन के बेसिस पर रिक्वायर्ड पैटर्न डिस्प्ले कराना पॉसिबल है.